गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए एटॉमिक फिजिक्स में बात करते हैं क्वांटम डिफेक्ट्स पर। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टूडेंट्स क्या निकाला था, एनर्जी निकाली थी इलेक्ट्रॉन की 4 पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के लिए। और उस केस में हमने जो आर्टिकल स्टडी किया था वहां पर हम क्या लेके चले थे, जो हमारे पास पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट वो ऑर्बिट होते हैं जो एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट करते हैं। और वहां पर हमने एक केस कंसीडर किया था, ये वाला केस कंसीडर किया था, आपको रिमाइंड करना पड़ेगा लास्ट लेक्चर को। ये एटॉमिक कोर थी और जिसके अंदर जो इस एटॉमिक कोर के बाहर ये इलिप्स है और ये एटॉमिक कोर के ये अंदर इलिप्स होनी चाहिए, यानी कि एटॉमिक कोर के आउटसाइड भी और इनसाइड भी इलिप्स जो बन रही है वो कंप्लीट नहीं है। ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं। और वहां पर जब हमने स्टडी किया था तो कहां से स्टार्ट किया था स्टडी करना, मैं आपको याद दिला रहा हूं। हमने जो सोमरफील्ड थ्योरी को याद किया था और सोमरफील्ड थ्योरी ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेप्टिक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है और इलेप्टिक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है यानी कि इलिप्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो इलिप्स के अंदर ये कौन सा एक्सिस होता है, ये मेजर एक्सिस होता है और ये वाला एक्सिस कौन सा होता है, माइनर एक्सिस होता है। इसका आधा क्या बन गया, सेमी मेजर एक्सिस, जिसको हमने ए से डिनोट किया था, ये क्या बन गया इसका सेमी माइनर एक्सिस, जिसको हमने बी से डिनोट किया था। और इलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं, एक फोकस पॉइंट के ऊपर हमने न्यूक्लियस को मान लिया था। अब इस न्यूक्लियस का चार्ज कितना था, प्लस जेड ई था, अगर इसके अंदर जेड प्रोटोन है तो। इसके बाद हमने ये कहा था अगर इस इलिप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट की इस पोजीशन के ऊपर है तो वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, आर डिस्टेंस के ऊपर है, और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है कितने एंगल के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर। इसका मतलब क्या है, इस रेडियस के चेंज होने से इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास क्या बन रहा है, नंबर वन एंगुलर मोमेंटम बन रहा है, जिसको हम क्या बोला था, रेडियल एंगुलर मोमेंटम बोला था, और थीटा के वजह से चेंज होने की वजह से भी क्या बन रहा था, एंगुलर मोमेंटम बन रहा था, उसको हमने क्या बोला था, एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम। आर के चेंज होने से रेडियल एंगुलर मोमेंटम और थीटा के चेंज होने से एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि ये जो थीटा एंगल था ये कौन सा एंगल था, एजीमुथल एंगल था। अब हमने जब इन एंगुलर मोमेंटम्स की बात की, पहला कौन सा था, पी आर, जो कि रेडियल एंगुलर इस आर के चेंज होने से आया था। दूसरा कौन सा था, पी थीटा, जो इस थीटा के चेंज होने से आया था, यानी कि ये रेडियल एंगुलर मोमेंटम था, ये एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम था। तो हमने क्या कंडीशंस को स्टडी किया है, बोहर एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बोहर ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा वो पहली बात क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होनी चाहिए इस ऑर्बिटल, अगर रेडियल की बात कर रहा हूं तो ये एन आर एच। एन आर क्या चीज था, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, लेकिन यहां पर मैंने एन आर लिख दिया, दैट इज द रेडियल क्वांटम नंबर। और इस एन आर की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि रेडियस ये जीरो नहीं हो सकता, रेडियस जीरो हो गया तो ऑर्बिट ही नहीं रहेगा। तो यहां पर इसलिए हमने एन आर लिया है कंडीशन। इसका मतलब अगर ये जो पी थीटा है, अब दूसरा इस एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इस एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, यहां पर ये कंडीशन क्या थी, अगर आपको याद हो कि बोहर ने हमें ये बताया था कि अगर जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी एग्जैक्टली इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, यानी कि यहां पर ये कंडीशन आनी चाहिए थी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के कौन से अलाउड ऑर्बिट थे, वो ओनली वो अलाउड ऑर्बिट थे जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम कितना है, एन, यहां पर मैंने आर लगा दिया है, एन एच अपॉन 2π, ये होना चाहिए।
यहां से अगर हम इस 2 पाई को इधर लेके चला जाए चले जाए 2 पाई पी आर इज इक्वल टू एन आर एच, ये था। और ये 2 पाई एक क्लोज्ड पाथ है, यहां से अगर चलेंगे तो हम पाई और यहां से 2 पाई, ये क्लोज्ड पाथ बन गया। तो मैंने एक ये क्लोज्ड पाथ लगा दिया था और इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया था, यानी कि ये जो 2 पाई वाली कंडीशन थी मैंने इसको क्या कर दिया था, पी आर डी आर इज इक्वल टू एन आर इंटू एच। और ये मैंने क्या कहा था, एक मेरे पास क्वांटम कंडीशंस है, किसके लिए, रेडियल एंगुलर मोमेंटम के लिए। इस पी थीटा के लिए हमने क्या कहा था, पी थीटा के लिए हमने यही सेम कंडीशंस बनेंगे, यानी कि एंगुलर, ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी। और इसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू, यहां पर ये एन आर है ना, ये एन आर नहीं लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे के लेंगे। और ये के क्या चीज है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है। थीटा 0 हो सकता है, थीटा 0 इस कंडीशन पे होगा, बिल्कुल होगा इस कंडीशन पे, जब इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे होगा तो थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर लेना पड़ेगा। और इस यहाँ पर ये आर जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर थीटा हो जाएगी। इसका मतलब पीआर के केस में यहां पर के नहीं लेंगे, यहां पे एनआर लेंगे। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, एन तक जाती है। तो सेम यहां पर अगर इसकी कंडीशंस को मैं यहां से इस 2 पाई को यहां पे लेके जाऊं तो इसके लिए कंडीशंस क्या बन गई थी, क्वांटम कंडीशन पी थीटा डी थीटा इज इक्वल टू यहां पर के एच, ये बन गई थी अगर आपको याद हो तो। अब ये पी थीटा क्या था, ये पी थीटा ये एंगुलर मोमेंटम थ्रू आउट द इस ऑर्बिट के अंदर, इलेक्ट्रिक पाथ के अंदर ये पी थीटा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो इस पी थीटा को हम बाहर ले आए थे और पी इस इंटीग्रल का क्लोज पार क्या आ गया था, 2 पाई, और ये क्या बन गया था, के एच, ये आ गया था। यानी कि पी थीटा की वैल्यू हम जब भी सोल्व करेंगे तो क्या पुट कर देंगे, 2 पाई पुट, ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे। यानी कि हमें पी थी ये कंडीशन तो सोल्व हो गई थी, लेकिन यहां पर ये कंडीशन हम सोल्व नहीं कर पाए थे क्योंकि एनआर की वैल्यू, ये रेडियस क्या, ये पी आर क्या है, ये आर के चेंज होने से क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो हमें इस पी आर की वैल्यू को चाहिए थी यहां पे पुट करने के लिए, कौन कौन सी कंडीशंस पर, जब इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द ऑर्बिट एटॉमिक कोर था और जब इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटॉमिक कोर था। तो हमने इस पी आर की वैल्यू को कैलकुलेट किया था और पी आर की वैल्यू आउटसाइड द एटॉमिक कोर कितनी निकल के आई थी हमारे पास, अगर याद हो तो आउटसाइड एटॉमिक कोर ये पी आर की वैल्यू निकल के आई थी, यानी इस ये पी आर की वैल्यू है यहां से यहां तक, यानी कि इस वैल्यू को मैंने यहां पर पुट किया है। तो ये dr is equal to, अब ये कौन सी कंडीशन इंप्लीमेंट कर दी, आउटसाइड, तो यहां पर मैंने o ले लिया है आउटसाइड के लिए। तो यहां पर इस क्वांटिटी को हमने पुट कर दिया था क्या, i नॉट, यानी कि ये वाली चीज पूरी की पूरी i नॉट पुट कर दी थी। सिमिलरली हमने क्या निकाली थी, इनसाइड निकाली थी, इनसाइड किसकी वैल्यू, पीआर की वैल्यू, जब इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया, इस एटॉमिक कोर के अंदर आ चुका जब, तो इस पीआर की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, ये निकल के आई थी। यानी कि इन द सेम वे बाय यूजिंग द क्वांटम कंडीशन व्हेन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटॉमिक कोर, तो हमने इस पीआर की वैल्यू निकाली थी और यहां पर पुट कर दी थी, और ये मैंने यहां पर आई स्पेस से ऊपर दे दिया था, आई का मतलब इनसाइड द एटॉमिक कोर। तो यहां पर इस पूरी टर्म को मैंने क्या पुट कर दिया था, आई पुट कर दिया था, तो मेरे पास ये कंडीशन आ गई थी, ये वाला इंटीग्रल जो है मेरा जब इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक कोर के अंदर है, और ये वाला इंटीग्रल क्या बता रहा है, जब इलेक्ट्रॉन एटॉमिक कोर से बाहर है। यानी कि दो कंडीशन है, यानी कि इस केस में को इलेक्ट्रॉन को इस, जो ये दो इलिप्स हैं, इन दोनों इलिप्स को में से किसी भी एक इलिप्स को कंप्लीट नहीं कर रहा है, ना तो आउटसाइड वाले इलिप्स को कंप्लीट कर रहा है, ना इनसाइड वाले इलिप्स को भी कंप्लीट कर रहा है। लेकिन यहां पर जो ये क्लोज्ड पाथ है, ये क्लोज्ड इंटी, ये वाला क्लोज्ड पाथ हम किस कंडीशंस के ऊपर लगा सकते हैं, जब हमारा इलिप्स का पाथ पूरा का पूरा क्या हो, क्लोज्ड लूप हो, तब लग कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, या इस केस के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द एटॉमिक कोर,
और इनसाइड द एटॉमिक कोर अपने पाथ को क्या नहीं कर रहा, कौन सी भी दोनों इलिप्स को, आउटसाइड वाली इलिप्स को भी इनसाइड वाली इलिप्स को भी क्या नहीं कर रहा, कंप्लीट नहीं कर रहा। तो हमने क्या कहा था, इन दोनों इंटीग्रल्स वाली इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, इवेल्युएट करेंगे ओनली उन कंडीशंस के ऊपर, ओनली उस पाथ के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रिकल पाथ के अंदर ट्रेवर्स किया है। यहां पर हमने ये कह के छोड़ दिया था और ये बोल दिया था इस आउटसाइड ये इंटीग्रल प्लस इनसाइड ये इंटीग्रल टोटल तो यही बनेगा ना, आउटसाइड प्लस इनसाइड इज इक्वल टू टोटल क्वांटम नंबर, यही तो बनेगा और बोहर के अकॉर्डिंग। तो हमने यहां पर लाकर इसको छोड़ दिया था। अब यहां से आगे मैं अब एक स्पेशल केस ले रहा हूं जो क्वांटम डिफेक्ट को एक्सप्लेन करने वाला है। उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इस वाले केस में से स्पेशल केस में क्या बना रहा हूं, इस ये जो एटॉमिक कोर है इस एटॉमिक कोर के अंदर भी इलिप्स कंप्लीट है, और इस एटॉमिक कोर के अगर मैं यहां पर बात करूं इस वाली इलिप्स की, ये देखिए ये ऐसे चल रही है, अगर पाथ ऐसे चलेगा तो ये ऐसे चलेगी, ये वाला सिर्फ मैं ये वाली इलिप्स ले लूंगा, ये भी कंप्लीट बनी कंप्लीट होगी ऐसे। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाली ऐसे चलेगा, ये वाला पाथ ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा ऐसे। यानी कि अब मैं एक स्पेशल केस कौन सा ले रहा हूं, वो स्पेशल केस ले रहा हूं जिसके अंदर एटॉमिक कोर के आउटसाइड भी और एटॉमिक कोर के इनसाइड भी हमारी इलिप्स क्या है, कंप्लीट है, यानी कि पूरी की पूरी बन रही है। तो अब यहां पर जब हमने ये क्लोज पाथ बन चुका है आउटसाइड भी और इनसाइड भी, तो इसका मतलब अगर क्लोज पाथ बन चुका है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूं, इस इंटीग्रल की वैल्यू में ये पुट कर सकता हूं जो कि हमारे पास क्या बनी थी, ये वाली वैल्यू इस केस में, क्योंकि पहले वाले केस में नहीं पुट कर सकता क्योंकि पाथ कंप्लीट नहीं बन रहा था, कौन सी भी आउटसाइड और इनसाइड इलिप्स कंप्लीट नहीं बन रही थी। लेकिन इस केस में हमारे पास इनसाइड भी इलिप्स कंप्लीट है, आउटसाइड भी इलिप्स कंप्लीट है, तो इसकी वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूं, आउटसाइड वाले की वैल्यू एन आर जीरो एच प्लस इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं एन आर आई एच इज इक्वल टू क्या बन गया, यहां से ये बन गया हमारे पास एन आर एच, और एच से कॉमन निकाल के काट दूंगा मैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए एन आर जीरो प्लस एन आर आई ये आउटसाइड है, तो ये क्या बन गया हमारे पास रेडियल क्वांटम नंबर बन गए। तो अब जब ये कंडीशन है तो आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए जो ये आउटसाइड वाली इलिप्स है, आपने इलिप्स के अंदर तो आपको कंडीशंस पता होगा, जब इलिप्स के अंदर ये इलिप्स होती है और इसके एक न्यूक्लियस के ऊपर एक फोकस के ऊपर अगर ये न्यूक्लियस है तो इस वाले डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियस से बहुत दूर वाले डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन के ऊपर है तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, हम इस पॉइंट को बोलते हैं एपिहेलियन, एपिहेलियन, और जो ये वाला पॉइंट होगा इसको क्या बोलते हैं पेरिहेलियन, पेरिहेलियन पॉइंट। अब अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं तो इसके इस एटॉमिक कोर के इनसाइड वाली इलिप्स है वो भी कंप्लीट है, और इस एटॉमिक कोर के जो आउटसाइड वाले इलिप्स है वो भी कंप्लीट है। इसका मतलब इस एटॉमिक कोर के सरफेस को आउटसाइड वाले इलिप्स का कौन सा पॉइंट टच करेगा, आउटसाइड वाले पॉइंट का, तो क्योंकि ये न्यूक्लियस है तो इसके नजदीक कौन सा पॉइंट है, ये वाला ही पॉइंट, ये पेरिहेलियन। इसका मतलब आउटसाइड इलिप्स का पेरिहेलियन पॉइंट इस एटॉमिक कोर के सरफेस को टच करेगा, और इनर साइड वाले इलिप्स का कौन सा पॉइंट टच करने वाला है, एपिहेलियन पॉइंट टच करने वाला है, और दोनों के दोनों कहां पर टच कर रहे हैं, इस एटॉमिक कोर के सरफेस को टच कर रहे हैं, यानी कि इस एटॉमिक कोर के रेडियस की कंडीशन इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पेरिहेलियन डिस्टेंस, यानी कि मैं ये लिख दूं या तो पेरी
पेरिहेलियम डिस्टेंस ऑफ किसका, पेरिहेलियम डिस्टेंस ऑफ आउटसाइड आउटसाइड इलिप्स इक्वल टू टच करेंगे एपिहेलियन डिस्टेंस, ये बराबर होंगे एपिहेलियन डिस्टेंस ऑफ इनसाइड इलिप्स। और ये कौन से डिस्टेंस के बराबर होंगे, ये इस एटॉमिक कोर के रेडियस के बराबर होंगे, ये वाली कंडीशन समझना है हमें यहां पर। इसका मतलब पेरिहेलियन डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, पेरिहेलियन डिस्टेंस हमारे पास होता है, आपको पता हो तो इलिप्स में आपने स्टडी किया हो, ए नोट इंटू वन माइनस इसेंट्रिसिटी, ये इक्वल टू किसके बराबर हो गया, एपिहेलियन डिस्टेंस कितना होता है ए नोट, ये तो हमारे पास आउटसाइड का था, तो यहां पर क्या आ जाएगा ए आई, अभी बात करेंगे क्या क्या है, ए नोट ए आई, ए आई इन वन प्लस इसेंट्रिसिटी इन साइड ऑफ द एलिप्स, ये किसके बराबर आ गया, रो के बराबर आ गया, ये कंडीशन आ गई। इसका मतलब ये क्या चीज है, देखिए ए नोट ए आई क्या चीज है, ये सेमी मेजर एक्सिस हैं, किसके इनसाइड आउटसाइड इलिप्स और ये इनसाइड वाली इलिप्स का, ये जो ए नोट और एप्सिलॉन आई जो है ये क्या है एसेंट्रिसिटी है, किसके आउटसाइड वाली इलिप्स की इनसाइड वाली इलिप्स की, ये हम जानते हैं, ये पेरिहेलियन डिस्टेंस हम जानते हैं, एपिहेलियन डिस्टेंस जानते हैं हम, तो ये हमने किसके लिए लगाया एपिहेलियन डिस्टेंस, हमने किसके लिए लगा दिया इनसाइड वाली इलिप्स के लिए, पेरिहेलियन डिस्टेंस किसके लगा दिया आउटसाइड वाली इलिप्स के लिए। तो यहां से हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, इस एटॉमिक कोर के जो इनसाइड इलिप्स है उसकी बात करेंगे, हम बाहर वाली की बात नहीं करेंगे। तो हम यहां से ये कंडीशन ले लेंगे, ओनली ये वाली कंडीशन। तो यहां से हमने इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल ली, तो वो क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू इस, ये इसके नीचे चली गई रो अपॉन ए आई माइनस, यहां से ये वन आ जाएगा क्योंकि ये इसके नीचे, तो इसकी वैल्यू चाहिए तो ये वन उधर माइनस में चला जाएगा। अब ए आई क्या चीज है, ए आई इज द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इनसाइड इलिप्स का है, तो उसकी वैल्यू हम जानते हैं, ए आई मीन्स सेमी मेजर एक्सिस और विच इज इन साइड ऑफ द एटोमिक कोर हुज वैल्यू कितनी आती है, दैट इज इक्वल टू ए नोट एन आई स्क्वायर अपॉन जेड आई, ठीक है। यहां पर जब इसकी ये वैल्यू हम किसमें सोमरफील्ड वाले आर्टिकल्स के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं, जब ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, और इसेंट्रिसिटी की भी वैल्यू आप सॉलिड इलिप्स की जानते हैं, क्या होती है इलिप्स की इसेंट्रिसिटी, इनसाइड वाली इलिप्स की मैं बात कर रहा हूं, तो दैट इज इक्वल टू क्या स्टैंडर्ड होती है हमारे पास, वन माइनस के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होती है, मैं इनसाइड की बात कर रहा हूं तो यहां पर एन आई कर देता हूं, ठीक है। इसका मतलब हमें यहां से इसकी वैल्यू यहां पर पुट करनी है, फिर इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा मैं, ये इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम वैल्यू पुट करें, तो देखिए यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर लें सबसे पहले, तो यहां से क्या आएगी, इसमें ई आई इज इक्वल टू रो अपॉन ए आई की ए नोट एन आई स्क्वायर जेड आई ऊपर चला गया, ठीक है यहां से, और ये माइनस वन, और ये वैल्यू स्टूडेंट किसके बराबर मैं कर सकता हूं, अगर इसकी वैल्यू यहां पर पुट करूं इसके बराबर, तो यहां पर इसकी वैल्यू को उठाकर पुट करूं तो दिस स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दूं, ये स्क्वायर कर दिया दोनों, और ये स्क्वायर किसके बराबर है वन माइनस के स्क्वायर अपॉन एन आई स्क्वायर, ये। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि यहां से मैं क्या कर दूं, इस स्क्वायर को सोल्व कर दूं,
मैं क्वांटम डिफेक्ट निकालना चाह रहा हूं, और क्वांटम डिफेक्ट आप बाय डेफिनेशन जानते हैं, क्वांटम डिफेक्ट क्या होता है, डिफरेंस होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर का। और हम टोटल क्वांटम नंबर जानते हैं, टोटल क्वांटम नंबर क्या होता है उसकी वैल्यू अभी लिखने वाले हैं। तो यहां पर इसकी वैल्यू मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या आएगी, रो स्क्वायर जेड आई स्क्वायर अपॉन ए नोट स्क्वायर एन आई की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 रो जेड आई अपॉन ए नोट इंटू एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन एन आई स्क्वायर। ये हो गया, यहां से ये 1 से 1 कैंसिल हो गया यहां से, और यहां पर ये वैल्यू बच चुकी है। देखिए एन आई स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल के अगर काट दू यहां से तो ये एन आई स्क्वायर खत्म हो गया, और यहां पर जो ये 4 थी ये पावर कितनी बच गई, 2 बच गई। अब मैं अगर एलसीएम लू यहां से एलसीएम लेता हूं, देखिए तो ये क्या आ गया, एलसीएम हमारे पास आ गया ए नोट स्क्वायर एन आई स्क्वायर, और ये कितना आ गया, रो स्क्वायर जेड आई स्क्वायर माइनस 2 रो यहां पे जेड आई ए नोट है तो एक ए नोट आएगा और एक एन आई स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। ये आ गया, अगर यहां से इसको हटाऊं तो यहां से ये इधर चला जाएगा ए नोट स्क्वायर एन आई स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसकी वैल्यू को मैं इसमें से एन आई को कॉमन निकाल लू एन आई स्क्वायर, क्योंकि मैं एन आई निकालना चाह रहा हूं, इसको इधर लेके चला जाऊं तो यहां से क्या बच गया, रो स्क्वायर जेड आई स्क्वायर, और दोनों में से एन आई स्क्वायर को कॉमन निकाल लू तो यहां पे ये मैंने कॉमन निकाला था इधर जाएगा तो प्लस 2 रो जेड आई ए नोट माइनस यहां से क्या आ गया के स्क्वायर ए नोट स्क्वायर। अब अगर मैं एन आई स्क्वायर की वैल्यू निकालू तो एन आई स्क्वायर की वैल्यू निकालू तो यहां से एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, रो स्क्वायर जेड आई स्क्वायर अपॉन 2 रो जेड आई ए नोट माइनस के स्क्वायर ए नोट, ये आ गया। ठीक है, ए नोट का स्क्वायर ये, अगर यहां से मैं इसको हटाता हूं तो ये इसकी दोनों की पावर हट जाएंगी और यहां पर 1/2 आ जाएगा, और इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊं तो एन आई की वैल्यू क्या आ गई, रो जेड आई इंटू 2 रो जेड आई ए नोट माइनस के स्क्वायर ए नोट स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए मैं टोटल क्वांटम नंबर की कंडीशन जानता हूं, और टोटल क्वांटम नंबर मेरे पास क्या होता है अगर आपको पता हो तो टोटल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये होता है, ये हम जानते हैं। अब स्टूडेंट देखिए इसमें से अगर मैं ये वैल्यू nr की वैल्यू ये वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर देता हूं तो टोटल क्वांटम नंबर मेरे पास क्या बन गया, यहां से मैं क्योंकि मिटाना चाह रहा हूं फिर इसको तो यहां से क्या वैल्यू बन गई, एन आर जीरो प्लस एन आर आई प्लस के, ये वैल्यू बन गई है हमारे पास। ठीक है, अब ये मेरे पास टोटल क्वांटम नंबर है, अब इसके अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, इसको भी हटा देता हूं यहां से, ये आपको याद रखना है ये कंडीशंस। सो अब हम देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें दोनों साइड n में माइनस n जीरो कर रहा हूं इज इक्वल टू, अभी बताऊंगा n जीरो क्या चीज है। तो यहां पर जब इसकी वैल्यू को मैं किसमें से करूंगा एन आर जीरो, इसमें से भी माइनस कर दिया इधर से भी माइनस कर दूंगा तो यहां पर मैं इसके साथ इन दोनों टर्म को कंसीडर कर लू क्योंकि इधर भी माइनस एन नोट करूंगा तो उसको इसके साथ ले लूंगा। देखिए माइनस एन नोट करूंगा ना यहाँ पे एन नोट ये कर दिया है, इसमें से भी माइनस एन नोट किया था इधर, ये वाले टर्म मैंने इधर लिख दिए तो इन दोनों टर्म को मैं पहले लिख रहा हूं यहां पर एन आर I प्लस के, यहां पर इसको मैंने इसके साथ किया तो माइनस को कॉमन निकाल लिया एन नोट, यानी कि माइनस को कॉमन निकाल लिया तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा माइनस एन आर
अब देखिए ये जो चीज है ये मेरे पास क्या चीज होती है, ये मेरे पास होता है NI प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इनसाइड द एलिप्स, और ये क्या आ गया मेरे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये मेरे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। अब ये क्या चीज है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का डिफरेंस जो क्या कहलाता है क्वांटम डिफेक्ट कहलाता है, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं डेल्टा से। ठीक है, अब ये जो एनोट जो है स्टूडेंट, ये एनोट जो है ये क्या चीज है, ये एनोट बोहर एटॉमिक के वाले केस के अंदर है, यानी कि एटॉमिक बोहर एटॉमिक का जब हमने केस स्टडी किया था तो एनोट क्या चीज मानी थी, एनोट हमने उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को माना था जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से आउटसाइड था, और NI क्या चीज था जब इलेक्ट्रॉन इनसाइड था, यानी कि ये N ये जो स्पीस ये है ये बोहर के केस में है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्वांटम डिफेक्ट क्या आ गया है, इसका मतलब यहां पर ये जो ये मेरे पास जो प्रिंस टोटल क्वांटम नंबर हमारे पास ये बना है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या बनी है, ये बनी मेरे पास NI-K, ये मेरे पास क्या है क्वांटम डिफेक्ट है। अगर NI की वैल्यू जो मैंने अभी ये कैलकुलेट की थी ये वैल्यू यहां पर पुट कर दू, यानी कि इस क्वांटम डिफेक्ट की जो वैल्यू बनने वाली है वो क्या बनेगी, देखिए रो ZI इंटू टू रो ZI ए नोट माइनस के स्केयर, ये वैल्यू देखिए ये है, ये पूरी की वैल्यू मैंने उठाकर यहां पुट कर दी है, के स्केयर ए नोट स्केयर और माइनस ये क्या हो गया के हो गया। तो आपको ये जो क्वांटम डिफेक्ट है वो सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, के ऊपर डिपेंड कर रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर, यानी कि ये कहीं पर भी प्रिंसिपल इंडिपेंडेंट, ये क्वांटम डिफेक्ट किसके इंडिपेंडेंट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के तो इंडिपेंडेंट है, बट डिपेंडेंट ओनली वन फैक्टर दैट इज इक्वल टू के, दैट इज कॉल्ड द एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये पॉइंट डिफेक्ट था स्टूडेंट्स, और यहां पर आकर आर्टिकल कंप्लीट होता है। अगर क्वांटम डिफेक्ट आता है तो यहां यहां तक लिखना है, अगर एनर्जी नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की कैलकुलेट करनी आती है तो पार्ट वन लिखना है, ओनली क्वांटम डिफेक्ट 3 नंबर के अंदर आता है तो ये लिखना है। थैंक यू।